ये भी कहना चाहूँगा, आज के टाइम में उर्फी एक बहुत बड़ा नाम है, आपने बहुत गाइड किया था उनको जब शुरुआत में इंडस्ट्री में आई थी, क्या कहने कितनी खुशी मिल रही है आप, आपने बहुत उर्फी को मीडिया में लाने वाली मैं हूँ। यस यस, आप लोग जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले कहाँ मीडिया में थी वो, तो आभारी है आपकी, तो मैं तो वो मेरी चेली है और अच्छे कदमों पे चल रही है, एकदम फैशन डिजाइनर आइकॉन बन रही है आजकल, तो उसकी तारीफ रणवीर भी कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि अपने आप को कैसे इस्तेमाल करना मीडिया के सामने, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। मैं कौन होती किसी का डिसीजन लेने वाली, उसकी मर्जी, चले चाहे तो साड़ी पहन के चले, जो वो एक स्टाइल आइकॉन है, नो डाउट, बहुत मेहनत कर रही है, उसको देश भर से इतनी गालियाँ मिल रही है, तो भी क्या कर रहे हैं, देश भर से इतनी गालियाँ मिल रही है, फिर भी वो मेहनत कर रही है लड़की, वो अपने आप को स्टाइल आइकॉन समझती है, कभी कांच पहन लेती है, कभी पत्थर पहन लेती है, कभी पत्ता पहन लेती है, कभी कैबेज पहन लेती है, कभी बैंगन पहन लेती है, कभी ब्लेड पहन लेती है। मैं हमेशा डरती रहती भाई, उर्फी सोती नहीं है रात भर, वो कपड़े सिलाती रहती है, कभी ब्लेड कभी क्या। देखिए मेहनत तो कर ही रही है लड़की इंडस्ट्री में, देखिए उसके ना कोई गॉडफादर है ना मेरा कोई गॉडफादर है। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मैं भी छोटे कपड़े बहुत पहनती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो ये आदिल साहब तो मुझे पहनने ही नहीं देते, कोने में लेके जाके सीधा धोना शुरू कर देते हैं। क्यों क्यों? नहीं, आदिल को पसंद नहीं है, आदिल की वजह से आज मैं सुधरी हूँ। तो उर्फी के लिए कि वो अच्छा कर रही है, चाहे ब्लेड पहने, चाहे झाड़ू पहने, चाहे फूल पत्ते पहने, चाहे पत्थर पहने, सेफ्टी पिन का भी ड्रेस है उनका, सेफ्टी पिन पहन रही है, मतलब अच्छा ना, मार्केट में कितना बिजनेस हो रहा है। लेकिन एक बात है, उर्फी के कपड़े माचिस के डिब्बे में आते हैं। आप बात की उसका वॉर्डरो जो है उर्फी का, वो माचिस के डिब्बे में आता है। मैं पर्सनल उर्फी को बहुत पसंद करती हूँ। जी मेहनत का फल, मुझे तो डर लग रहा है कि उसको इतनी गालियाँ मिल रही है बॉलीवुड में, इतना लोग कर रहे, बस मैं तो लोगों से एक ही करूँगी कि आप उसको, अभी बीच में किसी ने, एक लड़के ने उसे धमकी दी, यू नो, ब्लू फिल्म बनाने के लिए। तो भाई तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो तुम उर्फी को ऐसा धमकी दे रहे हो? उर्फी मेरी फ्रेंड है, उर्फी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। देखो क्या पहनती क्या नहीं पहनती, मैं उसकी माँ उसका बाप नहीं हूँ उसको डिसाइड करने के लिए। वो कल साड़ी पहनेगी तो भी मैं उसको प्यार करूँगी, साड़ी उतार भी देगी तो भी मैं प्यार करूँगी, और वो छोटे कपड़े पहने क्या क्या पहने, तो मैं हंसे आ रही हूँ। अच्छा, आदिल को पर्सनली पसंद नहीं है कि उर्फी ऐसा सब पहना है, बिकॉज उसकी अपनी मर्जी है, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन उसकी अपनी मर्जी है भाई, वो क्या कर सकते हैं।